बात बच्चों की शिक्षा दीक्षा की। बच्चों के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड जल्द ही नए तरीके से तैयार होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की प्रगति के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC यानी समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत करने जा रहा है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के तहत ये बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखा जाएगा और सिर्फ कुछ विषयों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नहीं आंका जाएगा। अभी तक का जो पारंपरिक सिस्टम है उसमें बच्चों को अलग अलग विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, खेल कला वगैरह में प्रदर्शन के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और उस आधार पर यह तय किया जाता है कि बच्चा कितना अच्छा या खराब प्रगति कर रहा है, यानी नंबर तय करते हैं बच्चों की प्रगति के बारे में। कुछ विषयों के अंकों के आधार पर बच्चों का यह आकलन उनके साथ एक तरीके से नाइंसाफी की तरह है। ये बच्चों के समग्र विकास का पैमाना बिल्कुल नहीं था और काफी समय से इसे बदलने की मांग भी चल रही थी। अब जाकर ये बदलने की कोशिश की जा रही है। NCERT के तहत बनाई गई संस्था नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख ने काफी सोच विचार के बाद होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया है। परख की फुल फॉर्म भी अब आप जान लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ये सब बहुत भारी शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे। साधारण शब्दों में बताएं तो परख छात्रों के प्रदर्शन को पूरी निष्पक्षता और समग्रता के साथ आंकने का एक तरीका है। इसके तहत अभी 3 तरह के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किए गए हैं। पहला कक्षा 1 और 2 के लिए, दूसरा कक्षा 3 से 5 के लिए और तीसरा कक्षा 6 से 8 के लिए। इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का कैसा हो इस पर अभी काम चल रहा है, विमर्श हो रहा है। ये जो नया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है इसमें छात्रों के प्रदर्शन का आकलन सिर्फ शिक्षक ही नहीं करेंगे बल्कि छात्रों के सहपाठी, उनके माता पिता और खुद छात्र भी अपना आकलन कर सकेंगे। जैसे कोई छात्र अपने साथी छात्रों का आकलन कर सकता है कि वो खेल में कैसा है, कला में कैसा है, संगीत या अभिनय में कैसा है, उसने क्या कुछ नया सीखा है, उसका व्यवहार कैसा है या क्या वो दूसरों की मदद अपनी कक्षा में करता है। ये हमने कुछ उदाहरण भर दिए हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कुल मिलाकर किसी छात्र के व्यक्तित्व का 360 डिग्री आकलन होगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें उस कसौटी पर नहीं परखा जाता जो बड़ी कक्षाओं में रखी जाती है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में बच्चा खुद का भी आकलन कर पाएगा। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी कि कोई बच्चा कितना बेहतर कर रहा है। इसका सबसे बेहतर आकलन वो बच्चा खुद कर सकता है बशर्ते हमें उससे ये पूछने या समझने का सलीका आता हो। नए तरीके में बच्चे खुद को आंकेंगे, उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसा व्यवहार है, इस पर वो खुद को भी आंक पाएंगे। बड़ी कक्षाओं में ये बच्चे भी ये भी तय कर पाएंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। उन्हें खुद के आकलन का मौका भी दिया जाएगा कि अपने बनाए लक्ष्यों की दिशा में वो कितना आगे बढ़े हैं। अपने बच्चों को उनके माता पिता से बेहतर कौन समझ सकता है। नए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में इसकी भी व्यवस्था है। अभिभावक ये बता सकते हैं कि बच्चा क्लास में कैसा पढ़ रहा है, होमवर्क करने में कैसा है, उसका कितना स्क्रीन टाइम है। और ये तो आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मोबाइल फ़ोन नाम की आफत बच्चों की ज़िंदगी में इस तरह घुस चुकी है कि कई बच्चे अपना खेलकूद मौज मस्ती तक उसके आगे खो बैठे हैं। हर माता पिता की ये बड़ी चिंता और बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखने के लिए कई माता पिता काफ़ी जतन करते हैं। खेल में या कला में बच्चा कैसा रहा इस पर भी अभिभावक अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि कहाँ बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं, बच्चों के आकलन के लिए ये भी देखा जाएगा कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक तौर पर कैसा व्यवहार करते हैं, रचनात्मक कामों में उनका मन कितना लगता है। इस सब के आधार पर बच्चों के सर्वांगीण विकास को समझा जा सकता है। NCERT ने सभी राज्य सरकारों से कहा है को या तो इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की व्यवस्था को अपनाएं या अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव करें। मार्च 2023 में NCERT ने छोटे स्तर पर कुछ चुने हुए राज्यों में ये प्रयोग किया,
फिर पिछले साल सितंबर में एनसीईआरटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर अमल के लिए कहा। परख की सीईओ इंद्राणी भादुड़ी के मुताबिक 15 से 16 राज्य और कई सीबीएसई स्कूल अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के आधार पर छात्रों का आकलन कर रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ शिक्षाविद अनीता रामपाल जुड़ रही हैं। अनीता जी, एनसीईआरटी ने छात्रों के आकलन के लिए समग्र प्रगति कार्ड का जो नया तरीका निकाला है, ये कितना कारगर है? क्या ये उन कमियों को दूर करता है जो अभी तक पारंपरिक रिपोर्ट में नहीं होती? इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी प्रगति कार्ड को तरफ देखते हैं, किसी भी तरह का आकलन करते हैं, तो वो जो है वो क्लासरूम के साथ, कक्षा में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता बांधा जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। अगर केवल हम एक कार्ड ले आए और फिर टीचर्स से, बच्चों से, सबसे भरवाएं, तो वो एक पहल तो है, एक नई पहल है, पर उससे कितना फर्क पड़ने वाला है वो अभी तक उस पर चिंता है। क्योंकि अगर हम कुछ बच्चों का माहौल ही नहीं बदल रहे कक्षा के अंदर, जिस तरह से हम उसके सीखने की समझ बनाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सिर्फ एक अपने फिक्स जगह में बैठ के बोर्ड की तरफ देखते हुए सीखेंगे नहीं, या टीचर कुछ बोल रही है तो सीखेंगे नहीं, तो जब तक पूरा माहौल क्लास का नहीं बदलेगा, स्कूल का नहीं बदलेगा, तो फिर ये कार्ड जो है ये अपने में सिर्फ एक दस्तावेज बन के रह जाएगा। और थोड़ी चिंता ये है कि ये बहुत भारी, इसमें टीचर्स का समय लगने वाला है और बहुत इसको भरने में ही बहुत मेहनत है। टीचर्स पे अभी काफी पहले ही कागजी जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है, और एक और हम बोझ ना डाल दें, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा जी, अब दूसरे जो दुनिया के मुल्क हैं उनमें किस तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है? अच्छी बात है कि हम कह रहे हैं हम समग्र प्रगति देखेंगे, और हम केवल उनके किसी एक टेस्ट पे दिए हुए नंबरों से नहीं जांच करेंगे। पर जब हम यहाँ इस प्रोग्रेस कार्ड को भी देखते हैं, तो उसमें वही निहित है। हम नंबर नहीं दे रहे, ग्रेड नहीं दे रहे, पर हम कह रहे हैं कि नदी, पहाड़ या आसमान, तो ऑलरेडी हमने ग्रेड अपने तय कर लिए, और उसी आधार पे हम उसका एक रूब्रिक बना रहे हैं और उसका हम आकलन कर रहे हैं। तो फिर वही दिक्कत आ जाती है कि टीचर से हमने ये सब करवाया, पर वास्तव में कितना फर्क पड़ा। और देशों का जो आपने सवाल पूछा है उसमें सही है कि बहुत ज्यादा जो आकलन है वो इस तरह से कागजी आकलन नहीं है, पर वो एक लगातार उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है, तो जिसको हम सतत कहते हैं, मगर उसको भी हम केवल ग्रेड्स के आधार पे, नंबरों के आधार पे ना करें, पर बच्चों के सीखने की कई तरह के उनके स्रोत हैं जो दर्शा रहे हैं कि वो क्या बना रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह अपने आसपास बच्चों के साथ उनका रिश्ता बंधता है कि नहीं बनता, तो वो सब हम कैसे डॉक्यूमेंट करें, वो केवल सवाल पूछकर नहीं, पर उनकी गतिविधि, उनके काम के दस्तावेज रख के, उनकी ड्रॉइंग्स, उनका लिखना, ये सारी चीजों पे निर्भर करता है। इसलिए यहाँ भी कार्ड में कहा गया है कि ये सब टीचर्स इसका आधार बनाएं, पर वो आधार कब बनेंगे, जब तक कि पूरी सीखने की जो प्रणाली है, सीखने सिखाने की, वो ना बदले। अब ये बता दीजिए और कि आप समग्र प्रगति रिपोर्ट जिसको हम कह रहे हैं, या होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चों के लिए तो ठीक है, क्या इसके लिए टीचर्स को भी सिखाया जाना जरूरी है? सिर्फ आंकलन की ट्रेनिंग नहीं, पर पूरे कक्षा को अलग ढंग से कैसे चलाना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, हम कैसे तय करते हैं कि उन्होंने सीख लिया है, क्योंकि ये सब जो है इसके टीचर्स पे ही डिपेंड करता है। शिक्षक ही इसको भरेंगे, शिक्षक की ही समझ कैसी बनती है, और शिक्षक, जैसे मैंने कहा, वो पूरी गतिविधि सीखने सिखाने की कैसे बदलती है। अगर वो नहीं बदल रही और बिल्कुल इसी तरह चल रही जैसे आज क्लासरूम्स में हो रहा है, तो फिर ये बहुत कारगर नहीं होगा।